सर क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा फुरकान सर से सवाल है। जी सर, इन एक्टिंग हु इज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? यार मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग बिहेवियर का काम है। अरे तो आप जितने लोग हैं वो सारी इंस्पिरेशन है आपकी दुनिया में, क्योंकि हर किसी का बिहेवियर फर्क होता है। वाह वाह। तो आई थिंक एवरीबॉडी इज माय सोर्स ऑफ, एवरी ह्यूमन बीइंग अलाइव इज माय सोर्स ऑफ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, हमारा भी तरीका है, वारदात यही है, लेकिन आजकल आपको क्या लगता है अच्छा अदाकार कौन है? मुझे पर्सनली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जो यंग लड़के काम कर रहे हैं उसमें सबसे खूबसूरत और सबसे ज़बरदस्त अदाकार बिलाल अब्बास लगता है। लड़कियों में? लड़कियों में यार मुझे सज्जल बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। नहीं, एक्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं वैसे भी बहुत खूबसूरत है वो, और मुझे वैसे मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे सनम सईद की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जी सर, जवाब मिल गया आपको। भाई के कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी किरदार घूमते हैं, ये हर घूमते हुए किरदार से कुछ ना कुछ चख कर अपना एक जायका बना देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मल्ले च फड्डे पवाने वाला मुंडा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जात तक की बात है, आप क्या होते, ये आपके बस में कहाँ होता है? जिसने मुझे ये बना दिया, पता नहीं उस वक्त इस दुनिया को मेरी कितनी और किस चीज़ में ज़रूरत होती। मेरी जो मजदूरी है, जो हर इंसान अपनी मजदूरी पूरी करने आता है इस दुनिया में, मैं किसी और जगह मजदूरी कर रहा होता। इसका मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। अच्छा भाई जान, अगर आप एक्टर ना होते ना तो आप 13 मंजिल का फ्लैट होते। जैसे आपस की बात है, ये जैसे आदमी हंसता है ना और बेइज्जती होती है। कैसे? कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं एक गाना गाना चाहूंगी सर फरकान के लिए। गाओ बेटा। हाय तेरी कातिल आंखें, जान तुम पे बारी है, तेरे लिए लिखी है शायरी, ज़हनी बीमारी है, ये जो तेरी यारी है ये तो धोखेबाजी है, बात ये पुरानी थी, दर्द अब भी जारी है, तुम्हारे नाम से मशहूर है हमारा गम, हमारी बात शुरू तुमसे और तुम ही पे खत्म, तुम्हारे नाम से मशहूर है। अच्छा मेरे ख्याल तो वजह तो उन्होंने गाना लंबा गाया है।